ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणी अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम आदरणीय श्रीमद् स्वामी प्रभु सेवानिधि महाराज, उपस्थित सभी भक्तगण, भगवद गीता में एक प्रश्न उपस्थित होता है। भगवान कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, कि ये जितने संसार में जीव हैं वो मेरे अंश हैं, मेरे टुकड़े हैं। रामायण में भी यही बात आई है। और अंश और अंशी अलग अलग नहीं रह सकते। जिस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद हिमालय पे जाके वो गिर जाती है, बादलों के रूप में अलग हो गई, हिमालय में गई और वर्षा के रूप में बरस गई, तो अभी ये बूंद कहाँ जाएगी? वापस समुद्र में जाएगी। हो सकता है कोई कोई ऐसी बड़ी नदी में गिर जाए, गंगा इत्यादि में, तो सीधी चली जाए। और कोई कोई ऐसी हो सकती है जो रेगिस्तान में बरस जाए, तो उसको फिर से बादल बने, फिर से बूंद बने, और फिर माने कहने का अर्थ ये है कि सभी जितनी भी बूंदें हैं सबका गंतव्य स्थान एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है। क्यों? क्योंकि अंश और अंशी अलग अलग नहीं रह सकते, एक ही जगह जाना है। तो इसी प्रकार भगवान जब गीता में कहते हैं कि हम जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं, तो अंश मैंने ये मत समझो जैसे मिट्टी का ढेला लेते हैं हम और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, वो तो मेन टुकड़ा ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं, तो सब पूर्ण ही है। तो अंश अंशी का मतलब है कि जैसे भगवान परिपूर्ण है ऐसे ही हम भी पूर्ण हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई? हमने अपने को अपूर्ण मान लिया है, अपूर्ण मान के हम दुखी सुखी होते चले जा रहे हैं जीवन में। अच्छा, आप कल्पना करो, हम सब लोग क्या चाहते हैं? अपने जीवन में कभी विचार करके हमने देखा हम क्या चाहते हैं? अब जितने भी लोग संसार में हैं वो सब एक ही चीज़ चाहते हैं। बोले ऐसा कैसे होता है? ऐसा ही है, आप मेरे से सहमत होंगे, हम लोग सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन कितना आनंद चाहते हैं? अनंत आनंद चाहते हैं। ऐसा नहीं अभी आश्रम में आए तो आनंद में हैं, घर में जाए तो निरानंद हो गए, ऐसा नहीं चाहते। नहीं, जो आनंद यहाँ पे है घर में भी उतना ही आनंद होना चाहिए। हम आनंद चाहते हैं, अनंत आनंद चाहते हैं। और आनंद कैसे चाहते हैं? ज्ञान पूर्वक आनंद चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमारा सम्मान तो हो लेकिन पहले क्या किया, बेहोश कर दिया हमको इंजेक्शन लगा के और फिर माला वाला पहनाई जाए, ऐसा नहीं चाहिए हमको। या एयर कंडीशन में सुला रहे हैं लेकिन पहले बेहोश करके उसके बाद सुला रहे हैं, वैसा नहीं। हमको इसका बोध होना चाहिए कि हमको आनंद आ रहा है, ज्ञानपूर्वक आनंद। तो क्या बात निकल के आई? हम सभी लोग जितने भी जीव जंतु प्राणी जो भी हैं आनंद चाहते हैं, और वो आनंद चाहते हैं, अनंत आनंद चाहते हैं जो कभी ख़त्म ना हो, और ज्ञानपूर्वक आनंद चाहते हैं। तो ऐसा क्यों चाहते हैं? हम इसीलिए ऐसा चाहते हैं कि यही हमारा सच्चा स्वरूप है। हमको क्या कहते हैं? सत चित आनंद।
आनंद का आनंद सत सब समय रहने वाला, चित्त माने ज्ञानपूर्वक, जो ज्ञानपूर्वक आनंद, हम सभी लोग ज्ञानपूर्वक आनंद हैं। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या आ गई, इस आनंद को हमने कहाँ ढूंढा, वस्तुओं में ढूंढा। एक गाड़ी खरीदी, आनंद थोड़े दिन में ख़त्म हो गया, क्यों, बाजू वाले ने अच्छी गाड़ी खरीद ली। हमने एक घर बनाया, पड़ोसी ने अच्छा घर बना लिया। एक अच्छी नौकरी मिली, हमारे मित्र की अच्छी, हमसे अच्छी नौकरी है। हमारे पास भी पैसा है, लेकिन हमारे मित्र के पास ज़्यादा पैसा हो गया। तो हम आनंद हमने कहाँ ढूंढा, व्यक्तियों में ढूंढा, रिलेशंस बना के ढूंढा, स्थानों में ढूंढा। घूमते हैं जो लोग, हिमालय में गए, इधर गए, उधर गए, किस लिए घूम रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं। अरे वहाँ हिमालय में गए तो कितना आनंद आया, हम कहते हैं थोड़े दिन याद रहता है, उसके बाद सोचते हैं बोर लगता है, वही वही बात याद करके दूसरी जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर थोड़े दिन आनंद आता है, फिर वो भी ख़त्म हो जाता है। स्थानों में हमने ढूंढा, पहले व्यक्तियों में ढूंढा, स्थानों में ढूंढा, फिर क्या हुआ, वस्तुओं में ढूंढा। एक मोबाइल एक वर्षन आया, दूसरा मोबाइल आ गया, तुरंत बोर लगने लगता है कि नया नया वर्षन आना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा है। और कुछ सामान आया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया चीज़ आ गया, सब नया 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 नया। क्यों हम ऐसा चाहते हैं, भगवान कहते हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारा ही सब कुछ है, हम सब कुछ पाना चाहते हैं, हम सबके मालिक बनना चाहते हैं। और वस्तुतः हम सबके मालिक हैं भी, ऐसा नहीं, क्योंकि हमको छोड़ के ऐसे किसी की सत्ता है ही नहीं यहाँ पे। क्यों, भगवान ने कह दिया ममई वांगसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, अंश और अंशी हम तो एक ही हैं। तो जो भगवान में है वो हमारे अंदर है। लेकिन क्या हुआ, ये जो आनंद हम ढूंढ रहे थे, वी आर सर्चिंग द राइट थिंग ऑन द रोंग प्लेस। कैसा हुआ, एक बुढ़िया थी। अब बुढ़िया ने क्या किया कि रात हो गई और जो स्ट्रीट लैंप रहते हैं ना, वहाँ पे सुई ढूंढ रही थी। तो एक आदमी ने पूछा, बुढ़िया यहाँ क्या कर रही हो, बोले सुई ढूंढ रही हूँ। बोले गुम कहाँ पे हुई, बोले जहाँ गुम हुई वहाँ अंधेरा है, यहाँ लाइट है इसलिए लाइट में शायद मिल जाएगी। तो आप कल्पना करो, ये सुई मिलेगी उसको, क्यों, क्योंकि सुई है नहीं वहाँ पे। सुई यदि वहाँ पे होती तो मिलती, भले अंधेरा हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही बात हमारे साथ हो रही है यहाँ पे, कि हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं संसार में, और संसार में सुख है नहीं, तो क्या हमको सुख मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे है ही नहीं, वो चीज़ हमको कैसे मिल जाएगी, यदि होती तो मिल जाती। अच्छा किसी को पूछ लो, जो पैसे वाले लोग हैं पहले उनसे पूछ लो, भाई आप सुखी हैं क्या, बोले नहीं। जिनका बहुत सम्मान हुआ हो उनसे पूछ लो, बोले नहीं, जब पद पे रहते हैं तभी सम्मान होता है, जिस दिन रिटायर हुए ऑफिस में घुसने देते नहीं। हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो वो रिटायर हो गए, बोले महाराज रिटायर होने के बाद ऑफिस में जाना नहीं चाहिए। बोले क्यों, बोले चपरासी तक बेइज्जती करते हैं। बोले साला बहुत परेशान करता था, बिल्कुल उठते नहीं वो, जब तक पद पे थे तब तक सम्मान था हमारा। तो इसका मतलब सम्मान भी परमानेंट नहीं रहता। तो यहाँ पे सुख है ही नहीं, लेकिन इसको छोड़ के सुख कहाँ पे है, वो सुख तो हमको पता ही नहीं है। वो जो सुख की बात कर रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, हमको तो ये संसार का सुख ही सुख पता चलता है, लेकिन इसको छोड़ के जो कहीं सुख है उसका तो हमको पता ही नहीं है। बोले नहीं, शास्त्र कहता है हम सबको पता है उस सुख का। तो कैसे पता है हमको, बोले है पता। एक आदमी को क्या करो, हम लोग रोज सोते हैं कि नहीं सोते हैं, सोते हैं, सोते समय हमारे पास व्यक्ति रहते हैं क्या, नहीं, वस्तुएं रहती हैं क्या, नहीं, स्थान का बोध है क्या, नहीं, काल का बोध है क्या, नहीं। और जब उठते हैं सो के सवेरे, हर आदमी कहता है मज़ा आ गया आज तो, बहुत अच्छे सोए, कुछ भी पता नहीं चला, पता चलता तो नींद ही नहीं आती,
यदि हम एक व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं कमरे में रख दें, जो उनके सबसे प्रिय लोग हैं उन लोगों को वहां पे विराजमान करें कि तुम यहीं बने रहो, और उसको सोने ना दें। क्यों नहीं सोने दें? क्योंकि ये वस्तुएं, ये व्यक्ति छूट जाएंगे तुमसे। तो आदमी क्या करेगा, एक रात मुश्किल से काट सकता है, अगली रात बोलेगा ले जाओ सब, चलो भागो यहाँ से, आदमियों को भगा देगा, सामान को भी बोलेगा, बोले नहीं ए सी नहीं चल रहा, गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा, बोले भाड़ में जाए, ज़रूरत नहीं है, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, उसको गाली दो, बोले नहीं नहीं अभी कुछ भी देते रहो, मेरे को नींद आ रही है, तो सबको छोड़ के वो सो जाएगा। और ये जो सोया है सारी चीज़ों को छोड़ के, उसके बाद उठ के वही आदमी कहता है खूब मज़ा आया, आनंद आ गया। तो हमारे शास्त्र कहते हैं ये जो रोज़ रोज़ की अनुभूति है हमारी, ये क्या चीज़ों से मिली है हमको? और इतना आनंद, जो नींद में आनंद आया उसकी तुलना में ये आनंद बहुत फीके हैं। तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि हमारा अनुभव रोज़ का कहता है कि आनंद बाहर में नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। हम ही लोग जो हैं बेवकूफ़ बने रहते हैं। अब मान लो हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक आदमी आके कहता है कि अरे आप लोग कितने अच्छे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और हम खुश होने लगते हैं, अच्छे हो जाते हैं, अरे हम तो अच्छे हैं। एक आदमी हमारे पीछे आके कहता है तुरंत उसके बाद ही, आप लोग बेवकूफ़ है, टाइम पास कर रहे हैं, स्वामी जी को तो टाइम पास करना है, तुम्हारा भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि उसने हमको बेवकूफ़ कह दिया। न हम बेवकूफ़ हैं न अच्छे हैं, हम जो कुछ हैं वही हैं। लेकिन हम जीते कैसे हैं? दूसरों के लाइसेंस से जीते हैं। दूसरे लोग अच्छा कहते हैं तो हम अच्छे अच्छे मान लेते हैं अपने को, दूसरे लोग बेवकूफ़ बोलते तो बेवकूफ़ मान लेते हैं। न हम बेवकूफ़ हैं न अच्छे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। इसलिए साधना करके आदमी क्या करता है, इन सबसे ऊपर उठ जाता है। मुझे स्मरण आ रहा है उड़िया बाबा जी महाराज, बहुत बड़े संत हो गए वृंदावन के, तो वो एक कार्यक्रम में गए थे, कार्यक्रम से पहले चले गए, तो वहाँ पे सिंहासन लगे हुए थे तीन चार अलग अलग। तो इन लोगों ने सोचा कि उड़िया बाबा जी तो बड़े संत हैं, तो ऊंचे सिंहासन पे बैठा दिया। दूसरे संप्रदाय के लोग आए, अरे हमारे संत जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, इनको नीचे उतारो, हमारे महात्मा को ऊंचे सिंहासन पे बैठाया, ऊंचे पे बैठाया, इनको नीचे बैठा दिया। फिर और तीसरे आए, बोले नहीं इनको इधर करो, हमारे वाले को इधर करो। चलता रहा ये, आखिरी में फिर से महाराज को सर्वसम्मति से फिर से ऊंचे सिंहासन पे बैठा दिया। जब कार्यक्रम खत्म हुआ और जो उड़िया बाबा जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने पूछा महाराज आपको खराब नहीं लगा, कभी आपको ऊंचे सिंहासन पे बिठा रहे हैं कभी नीचे पे बिठा रहे हैं? बोले बेवकूफ़ मेरे को कैसे खराब लगेगा, मेरे को तो ये ऊंचे नीचे कर ही नहीं सकते, वो तो शरीर को ऊपर नीचे कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उड़िया बाबा जी की स्थिति जो है वो बहुत ऊंची स्थिति है, वो अपने को शरीर मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, अपने को शरीर मान के पूरा व्यवहार करते हैं, इसलिए दुखी सुखी होते रहते हैं। शरीर को गालियाँ देते हैं तो दुखी हो जाते हैं, शरीर की प्रशंसा करते हैं तो सुखी हो जाते हैं। ये सुखी दुखी लगातार हमारा चलता चला जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उपाय है क्या? यही ये आध्यात्मिक शिविर का उद्देश्य है कि धीरे धीरे हम लोग ये बातें सुनेंगे, ये बातें करते चले जाएंगे, और कैसे तीन दिनों में देखेंगे कि कैसे हम जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, जो काम कर रहे हैं वही करते करते कैसे हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो पक्की बात है हम सब लोग ठाकुर माँ स्वामी जी के भक्त हैं, और उन्होंने एक हम लोगों को एक सहज उपाय बता दिया है। मास्टर महाशय का जीवन आप लोग जानते हैं, कितना कष्टमय जीवन था, माने इतने दुखी हो गए थे कि वो आत्महत्या करने चले थे, इतने परेशान घर से, रात के अंधेरे में निकल गए नहीं आत्महत्या करेंगे, लेकिन आदमी ने कहाँ मिलवा दिया, भगवान के पास मिलवा दिया। आत्महत्या करने चले लेकिन मिल गए कौन, भगवान मिल गए। और जीवन में किसी न किसी रूप में जब सत्संग हमारे जीवन में आ जाता है तो हमको एक दिशा मिलने लगती है। और यहाँ पे यही दिखाई देता है
कि मास्टर महाशय जब ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी को एक ही प्रश्न पूछा उन्होंने, क्योंकि हमारा सबका एक ही प्रश्न है, क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि की थी, सृष्टि करने के बाद सृष्टि से बाहर निकलने के लिए, सृष्टि से मुक्त होने के लिए दो रास्ते भी बनाए थे। हम शहर शहर बनाते हैं ना, शहर में भी क्या करते हैं, एक रास्ता बीच में से जाता है और एक जो है बाईपास से जाता है, लेकिन दोनों रास्ते आखिरी में शहर पार करते हैं। कुछ लोग जो है पसंद करते हैं कि नहीं, शहर की धक्का मुक्की खा के जाएंगे, कोई बात नहीं, शहर को देखते देखते चलेंगे, आराम से जाएंगे, और कुछ लोग क्या करते हैं, बाईपास से चले जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने क्या किया, दो रास्ते बनाए। संसार की भगवद गीता का जो शंकर भाष्य है उसकी भूमिका में, प्रस्तावना में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जगत की सृष्टि करने के बाद उन्होंने दो रास्ते बना दिए। एक रास्ता क्या बनाया, निवृत्ति मार्ग, और दूसरा रास्ता क्या बनाया, प्रवृत्ति मार्ग। ये निवृत्ति मार्ग क्या हुआ, साधु संन्यासियों का है, बाईपास, संसार में जाने की जरूरत नहीं, सीधे बाहर ही बाहर निकलो, झंझट में जाना नहीं। दूसरा कौन सा है, प्रवृत्ति मार्ग, संसार के सारे कार्य करते हुए झंझट करते में, झंझटों में फंसने के बाद भी ये संसार से बाहर निकलना। जो सृष्टि की, ऐसे लोगों का निर्माण भी शुरू में ही कर दिया था, ऐसा नहीं आज की परंपरा है ये साधु संप्रदाय, पहले से ही उन्होंने क्या किया, चार ऋषियों की सृष्टि कर दी, सनक, सनंदन, सनत कुमार, इन सब ऋषियों की सृष्टि की, ये जो है निवृत्ति मार्ग के रहेंगे। वो दूसरी सृष्टि किनकी की, मारी चादी, राजा लोगों को बना दिया, प्रजा इनकी सृष्टि कर दी, तो ये क्या है, भीतर से जाएंगे। अब क्या हो गया कि ये तो चार लोग, और ये भीतर से जाने वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले जो हैं ये लाखों करोड़ों लोग। तो मन में प्रश्न, हमारे मन में भी रोज रोज उगता है ये प्रश्न, उठता है कि क्या संसार में रह के भी ईश्वर लाभ किया जा सकता है, क्या भगवान लाभ हो सकता है ईश्वर ये संसार में रह के। और इसी का उत्तर जो है भगवान श्री राम कृष्ण देव के वचनामृत में हमको बार बार मिलता है। मास्टर महाशय पहली बार गए, उनके मन में भी यही प्रश्न उठा, संसार में कैसे रहना चाहिए, संसार में रह के क्या भगवान लाभ किया जा सकता है क्या, क्योंकि ये हमारा सबका प्रश्न है। तो ठाकुर जी को जब पूछा कि संसार में रह के भगवान लाभ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी का उत्तर वचनामृत में है। और भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कभी स्वप्न में भी झूठ नहीं बोला है, तो इसलिए उन्होंने सच बोला है सब कुछ, और हमारे कल्याण के लिए बोला है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए, पहला उपाय। अब ये सदा सर्वदा जो भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए, पहला ही प्रश्न इतना कठिन बोल दिया कि वो जो संभव ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सदा सर्वदा यदि हम भगवान का नाम गुणगान करेंगे तो हमारे जो दो रोज़ रोज़ के जो काम हैं उनको कौन करेगा, क्योंकि हम तो भगवान का नाम करने में बैठ गए, तो सदा सर्वदा क्योंकि बोला है। अच्छा, सदा सर्वदा क्यों बोला है, सदा सर्वदा इसलिए बोला है कि भगवान ने गीता में कहा, अंतकाल में जिस भाव का हम स्मरण करते हैं उसी को हम प्राप्त करते हैं। मान लो अंतकाल में क्या हुआ कि अंतकाल में हमको संसार याद आ गया तो हम संसार को प्राप्त हो जाएंगे, अंतकाल में भगवान याद आ गए तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो अंतकाल तो किसी का पता ही नहीं अंतकाल कब है, किसी किसी का तो परीक्षित को पता था 7 दिन है, लेकिन अपने को तो पता नहीं 7 दिन है कि 70 साल है कि और कुछ है, 7 महीने हैं, तो अंतकाल पता नहीं है। इसलिए कहा गया कि सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वही वृत्ति अंतकाल में हमारी बनेगी। तो सदा सर्वदा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो साधु संत भी नहीं कर सकते सदा सर्वदा, तो हम लोगों को काम काज रहते हैं, तो सदा सर्वदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम कृष्ण देव के जीवन में बहुत एक अच्छी घटना उनके जीवन में आती है कि एक विधवा महिला थी, अपने भाई के यहाँ रहती थी, और ये विधवा महिला
भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास आया जाया करती थी। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने क्या पूछा एक दिन कि तुम्हारा साधन भजन कैसा चल रहा है, तो इन्होंने ठीक से उत्तर नहीं दिया। जैसे ही हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, यदि सही नहीं चल रहा हो तो गोलमोल उत्तर दे देते हैं, हाँ हाँ चल रहा है ठीक है। तो ठाकुर जी तो छोड़ने वाले नहीं, ठाकुर जी कहते नहीं सही सही बताओ साधन भजन कैसा चल रहा है, बोले उतना ठीक तो नहीं चल रहा है। तो ठाकुर जी पूछते हैं समस्या कहाँ पे है, समस्या ये है कि मैं भगवान का नाम करने बैठती हूँ लेकिन मेरे भाई का लड़का है, नाती छोटा, वो उससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और जैसे ही भगवान का नाम लेने बैठती हूँ वो याद आ जाता है, ये तो नेचुरली जिससे प्रेम होता है वही याद आता है। अब ये नाती याद आ जाता है तो भगवान का नाम छूट जाता है, और नाती कहाँ बाहर घूम रहा हो गया, क्या कर रहा होगा, उसने खाया कि नहीं खाया, यही सब चिंता मन में आने लगती है और मेरा जो है वो भजन करना छूट जाता है और मैं उसके पीछे दौड़ पड़ती हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, ऐसे ही सबके है। वो तो बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज जब से हमने दीक्षा ली है हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया है। बोले दीक्षा का बिजनेस का क्या संबंध है, ये पागलपन मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। गुरुजी भी हक्के बक्के कि हमारी दीक्षा से हमारे मंत्र में ऐसा प्रताप है। बोले तुम्हारा ऐसा कैसे हो गया, बोले बात ऐसी है कि हम हैं दुकानदार, लोग सामान ले जाते हैं उधार पे, है ना, बाद में पैसा देंगे, और हम पढ़ाई लिखाई ज़्यादा जानते नहीं इसलिए खाता तो मेंटेन करते नहीं है, याद रखते हैं तो हम भूल जाते हैं उधारी लेना, लेकिन ध्यान में जब बैठते हैं ना बराबर याद आते हैं किस किसने पैसा नहीं दिया, तो बराबर याद रखते थे उस टाइम, नोट करते हैं बराबर, अरे लड़के को कहते हैं नोट करो ये इसने पैसा नहीं दिया, बोले आपको अभी कैसे पता, बोले ध्यान में बराबर आते हैं वो लोगों के नाम कितना पैसा। तो इसका एक प्रताप ये भी है, कहने का अर्थ है कि जिसकी वृत्ति जो प्रबल वृत्ति रहेगी, प्रबल वृत्ति जो है वहीं पे मन जाएगा, वहीं पे जाएगा क्योंकि हमारी रुचि उसमें है ना, है ना। तो इस महिला की प्रॉब्लम क्या है, नाती से प्रेम करती है और ये दुकानदार क्या है, पैसे से प्रेम करता है, तो उसको पैसे की सब चीज़ें याद आती हैं और इसको नाती याद आता है। तो नाती बार बार याद आता है तो भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं देखो तुम्हारा तो काम हो गया, ये तो अच्छी बात है। बोले नहीं वो तो समस्या बनी हुई है महाराज, आप तो कहते काम हो गया, काम इसलिए हो गया कि ये जो छोटा नाती है तुम इसको भगवान क्यों नहीं मान लेती, इसको आज से तुम अपना नाती मानो ही मत, तो क्या करें इसको छोटा बाल गोपाल मान लो, भगवान कृष्ण है ये ऐसा मान लो, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि तुमको जो भी तुम दिन भर में व्यवहार करोगी, आप बच्चे को नहलाना है तो भगवान कृष्ण को नहला रही हो, भोजन बनाना हुआ तो किसके लिए भोजन, भगवान कृष्ण के लिए भोजन, कपड़े पहनाने हैं भगवान कृष्ण को कपड़े पहना रहे। तो अभी तो तुमको क्या करना था, साधन भजन जो है अलग करना था और ये काम जो है नाती की सेवा ये अलग करनी पड़ती थी। तो दो डिवीज़न थे, एक डिवीज़न कैसा था कि काम कर रहे थे और दूसरा था कि भगवान का भजन। यही हमारी भी समस्या है, हमारी दिन भर की क्या समस्या है, हम लोग ऐसे ही करते हैं कि सवेरे जो है उठते हैं भगवान का भजन करते हैं एक घंटा बराबर, जब जैसा गुरुजी ने कहा वैसा करते हैं, और दिन भर काम करते हैं फिर शाम को क्या करते हैं फिर से भजन करते हैं भगवान का, यहाँ आश्रम में आते हैं आरती करते हैं। जब तक ये दो विभाग हमारे बने रहेंगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति की आशा छोड़ देनी चाहिए। बोले आप तो क्या बोल रहे हैं, गारंटी है, क्यों, क्योंकि ये तो दो घंटे और संसार में हमने कितने घंटे लगाए, ज़्यादा घंटे 22 घंटे तो उधर ही हैं, तो असर किन का ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा संसार का असर ज़्यादा रहेगा, इसलिए बहुत दीर्घ काल तक लंबे समय के 10-20 साल तक लोग साधना करते हैं दीक्षा लेते हैं उसके बाद आश्रमों में आके हम लोगों के सामने कंप्लेंट करते हैं महाराज जी मंत्र में कुछ खराबी लग रही है। बोले क्यों, बोले काम नहीं कर रहा है,
कैसे काम नहीं कर रहे हैं, हमने तो कितने साल तक, हम महाराज 10-20 साल हो गए सुबह जप रात को जप, जैसा गुरुजी ने बताया बिल्कुल वैसे करते हैं, लेकिन कुछ अनुभूति, कोई दर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उनको पूछा बाकी टाइम क्या करते हैं, बाकी तो अपना जो करते हैं वही करते हैं, झूठ बोलते हैं, बोला हाँ बराबर, बिजनेस तो चलता ही नहीं बिना झूठ बोलते, बोले अच्छा, चोरी चोरी भी कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, सारी हरकतें पुराने वाली कर रहे हैं, कोई बदलाव किया नहीं, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं रही, यह आशा भी छोड़ देनी चाहिए, कभी नहीं होगी। तो इसलिए क्यों, क्योंकि भगवान ने कहा है सब समय भगवान का नाम गुणगान करना पड़ेगा सब समय। तो सब समय करने का उपाय क्या है कि इसी प्रकार हम सब समय कर सकते हैं, ये उपाय हैं, ये छोटे छोटे उपाय भगवान श्री रामकृष्ण देव हम लोगों को बता देते हैं। तो इस प्रकार क्या किया उन्होंने, सारा का सारा भाव बदल दिया, सुबह से रात तक भगवान का भजन किया जब तक बच्चा सो रहा है, उसके बाद जब उठ गया भगवान को उठाया, शयन से उठाते ना जैसे उठा दिया, उसके बाद दिन भर सेवा में। अच्छा, इसके फायदे भी होंगे, फायदे क्या होंगे, हम लोगों को ना भोजन अच्छा मिलेगा। बोले कैसे, तो एक महात्मा कहा करते थे कि घर में जाओ तो पत्नी को पूछो क्या बनाया, बोले कुछ था ही नहीं आज तो, दाल रोटी खा लो। लेकिन जहाँ भगवान के लिए भोग बनता है वहाँ दाल रोटी से काम नहीं चलता, अच्छा अच्छा पकवान बनाना पड़ेगा, शुद्धि भी रहेगी सुंदर। बोले नहीं, आलस चलेगा नहीं, बाजार में जाओ सामान लेके आओ, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। तो भगवान को भोग लगाने से एक तो शुद्ध आहार मिलेगा और पौष्टिक आहार मिलेगा, अच्छा आहार मिलेगा, तो फायदे भी होंगे, शारीरिक फायदा होगा, मानसिक फायदा होगा, और सब समय हमारा एक भाव बना रहेगा। ऑफिस में नौकरी करते हैं किसके लिए करते हैं, हम लोग तो मालिक के लिए करते हैं, बोले नहीं मालिक के लिए नहीं, परम मालिक के लिए करना पड़ेगा, प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं वर्क लाइक ए मास्टर नॉट लाइक ए स्लेव, दास के जैसा काम नहीं करना चाहिए, एक स्वामी के जैसा काम करना चाहिए, नहीं हम तो प्रभु के दास हैं, एकमात्र प्रभु के दास हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बाई प्रोडक्ट पैसा मिलता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए, इसलिए उसमें आलस भी नहीं आएगा, बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि भगवान के लिए काम किया जा रहा है। तो हमने क्या किया, सुबह से लेके आखिरी तक सारा का सारा भगवान से मिला दिया। माँ शारदा देवी तो यही कहती है, झाड़ू लगा रहे भगवान के लिए, तो झाड़ू जब रख रहे हैं उसको भी सम्मान दे के रख रहे हैं, क्यों, ये भी भगवान का ही रूप है एक तरह का, इसको भी सम्मान देना चाहिए। तो सब में, हर चीज़ में, बिल्ली में भी भगवान है, तोते में भी भगवान है, आदमियों में भी भगवान है, पशु पक्षियों में भगवान है। तो इस तरह से जब हम अपना व्यवहार बदलते हैं, एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या कर रहा है, यहाँ इम्पोर्टेंट है उसके पीछे की भावना क्या है। हम आगे दो दिनों में देखेंगे आने वाले प्रवचनों में कि कितने लोगों ने ऐसे जघन्य काम, बाहर की दृष्टि से जो जघन्य दिखते हैं, अच्छे नहीं है, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा नहीं है जिन कामों की, वैसे ही कर्म करके भी ईश्वर प्राप्ति कर ली, ऐसे भागवत में कथा है ऐसी। तो इस प्रकार दिखाई देते हैं ठाकुर माँ स्वामी जी के जो शिष्य हो गए उनमें दिखाई देता है कि कैसे कैसे कर्म करके भी वो लोग, क्योंकि उनकी भावना सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान ये नहीं चाहते कि क्या चढ़ा के प्रसन्न करता है, वो भावना देखते हैं। भीलनी के झूठे भेर कह के भी भगवान प्रसन्न हो गए, है ना, और पकवान खा के भी हो सकता है भगवान प्रसन्न ना हो। इसलिए हम तीन दिनों में, आने वाले दो दिन और हैं उनमें देखेंगे कि कैसे हम ऐसा का जैसा जीवन जी रहे हैं इसी जीवन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, ऐसा बदलना नहीं, कहीं पे भी कुछ बदलना नहीं है, इसी जीवन में कैसे हम थोड़ा थोड़ा बदलाव करके और इस संसार के जंजाल से निकल जाएं, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।